अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बना रहे हैं बेक्ड चीज़ी पास्ता। इसके लिए आप कोई भी पास्ता ले सकते हैं, लेकिन पेन्ने पास्ता या कोई भी लॉन्ग शेप पास्ता जो है वो इसके लिए आइडियल रहता है। आप ऑयल और नमक डाल के इसको बॉईल करके फिर आप इसको स्ट्रेन कर लें और एक दफ़ा ठंडे पानी के नीचे इसको ज़रूर गुजार लें। उसके बाद आप एक वॉक में ऑयल को गर्म करें, उसमें डाल लें अपना कीमा। कीमे को अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें और इसका हल्का सा कलर चेंज होने लगे तो आप इसमें गार्लिक डाल दें और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मीडियम टू लो फ्लेम रखना है हमने, और जब इसका पानी निकलने लगेगा तो इसके अंदर हमने चॉप्ड अनियन और चॉप्ड टमाटोज डाल देने हैं। फिर इसके अंदर हम अपनी सीजनिंग ऐड कर लेंगे। अब इसके अंदर आप चाहें तो टोमेटो पेस्ट डाल सकते हैं, प्यूरी डाल सकते हैं, या फिर मैंने इसमें चिली गार्लिक सॉस थोड़ी सी ऐड की थी फ्लेवरिंग के लिए। और अच्छी तरह से मिक्स करके आप इसमें पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दें, इतना कि इसका सारा पानी ड्राई हो जाए। अब हम अपनी बेचमेल सॉस बना लेंगे। उसके लिए आप एक पैन में बटर डालेंगे, बटर हीट हो जाए, उसको ब्राउन नहीं करना, सिर्फ उसको मेल्ट करना है। फिर इसमें हम अपना मैदा डाल लेंगे। मैदे को भी हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा भुनना है एक तरह से इसको। फिर इसके अंदर हम अपना मिल्क डाल लेंगे, और आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। फिर आपने इसके अंदर डाल देना है अपनी सीजनिंग और अच्छी तरह से इसको कुक कर लेना है। जब ये थोड़ा सा गाढ़ा क्रीमी सा होने लगे उस टाइम पे आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है। और फिर हम अपनी असेंबलिंग कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम अपनी बेकिंग डिश में पास्ता डालेंगे, उसके ऊपर हम अपनी हाफ सॉस डाल लेंगे, और उसके ऊपर आप अपना सारा कीमा डाल लें, अच्छी तरह से एक हैवी लेयर कर लें। फिर उसके ऊपर आप अपनी चीज़ की लेयर कर लें, और वापस से थोड़ा सा पास्ता ऐड करके ऊपर सॉस डाल के फिर एक चीज़ की लेयर कर लें। इसको आप बेक कर लेंगे तकरीबन 200 डिग्री सेल्सियस पे। बोथ फ्लोर्स मैंने ऑन किए थे और बहुत अच्छी तरह से ये जो है ऊपर से ब्राउनिश होना शुरू हो गया था। बहुत मज़े का ये बनता है, आप अपनी इफ्तार में इसको बना सकते हैं, आप डिनर में इसको इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।